अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं पापड़ की एक और डिश जिसका नाम है कुरेरी। ये चावल के आटे से तैयार होती है। ये देखिए इस तरह से होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। कुरेरियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये है चावल का आटा, जिसे मैंने इस बाउल से एक बाउल जो है मैंने ले लिया है। साथ में मुझे लगेगा नमक, ये मैंने तकरीबन एक चम्मच के हिसाब से लिया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा करिएगा। ये जीरा है जो मैंने आधा चम्मच लिया है, और मैंने जो है सफ़ेद तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, ये भी मैंने एक चम्मच लिया है। और एक चम्मच जितना मैंने रेड चिली फ्लैक्स जिसे कहते हैं, यानी कि लाल मिर्चों को मिक्सर में बिना पानी के एक बार ग्राइंड कर लेते हैं तो इस तरह से बारीक कतरे इसके बन जाते हैं, तो वो भी मैंने एक चम्मच ले लिया है। इसके अलावा हमें लगेगा तेल और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए पैन जो है मैंने गरम कर लिया है, और मैंने वही बाउल जिसमें मैंने अपना जिसे अपना हमें चावल का जो आटा था वो नापा था, उसी से नाप के मैं इसे 5 गिलास पानी डाल दूँगी और इसे हल्का सा बॉईल होने देंगे। मैं कुनकुना पानी ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे भी। कुनकुना पानी है इसलिए इसे ज़्यादा गर्माने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो तमाम मसाले हैं ये भी हम लोग डाल लेंगे। और साथ में जो है ये आटा जो है वो भी मैं इसे 4 चलाते हुए डालूँगी। और गिल्टियाँ नहीं पड़ने देना है, बिल्कुल उसी तरह से करना है कि गिल्टियाँ ना पड़े। चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी अच्छी तरह से जो है ये मिक्स हो गया है। अब इसे जो है मैं धीमी धीमी आँच पर थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। और ये देखिए इसका जो वाइट कलर है ना, ये भी थोड़ा लाइट करने तक हम लोग पका लेंगे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमारा घोल है अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इस पर जो है आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा कलर इसका लाइट हो रहा है, और ये बुलबुले भी आना शुरू हो गए हैं। अब इस लेवल पर जो है हम लोगों को बहुत तेज़ आँच पर और तेज़ी से चलाते हुए पकाना है, क्योंकि इसके बुलबुले जो हैं बहुत तेज़ी से उठते हैं। या तो फिर आप लोग इसे आँच धीमी करके, जिस तरह से हम लोग चावल दम पे रखते हैं तो बिल्कुल उस तरह से आप लोग दम पे करके इसे पका सकते हैं ढककर, ताकि उसके जो बुलबुले हैं गुबार हैं वो सब नहीं आ पाए। देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं इसे, देखिए कितना गाढ़ा हो गया। इसके जो छींटे हैं उससे थोड़ा बचिएगा। चलिए थोड़ा और पका लेती हूँ, 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी हद तक जो है ये गाढ़ा हो चुका है। देखिए अब जो है ऐसे ज़मीन दिख रही है इसकी इस तरह से करने पर। अब हम लोग जो है इसे ठंडा होने तक हम लोग ढककर इसे गैस बंद कर देंगे, लेकिन इसे ढककर रखेंगे ताकि ये जो है और ज़्यादा हमारा मिक्सर जो है पक जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक ये पक गया है। देखिए किस कदर ये गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और ये ठीक है लेकिन ठंडा होने पे ये और गाढ़ा होगा, तो उस लेवल तक हम लोग करेंगे। तो मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ और इसे ढक्कन ढक कर रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा होगा उस वक्त तक कि हम लोग इसे हाथ लगा सकें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है कुरेरी का वो एकदम अच्छा हो गया है। ये थोड़ा सा है अभी भी हल्का गर्म है, ऐसे बहुत ठंडा नहीं करना है, तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था ताकि ये जल्दी ठंडा हो सके और मैं आपको बनाना बता सकूं। देखिए इसे जितना हम लोग फेटेंगे ना उतना जो है इसके अंदर हवा भरेगी और ये उतना हल्का हो जाएगा, और उतना ही ये तलने पर जो है अच्छा फूलेगा और अच्छा कुरकुरा हो जाएगा। तो चलिए अब जो है इसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरह से लेंगे, और इसको जो है कुरेरियों को इस तरह से बरी की शक्ल जो होती है, बरी या बोरी जिसे हम कहते हैं, उस शक्ल में जो है हम लोग इसको सुखा लेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको जो है छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हम लोग लाइन से जो है इसे बना लेंगे, और इसे इसी प्लेट में जो है सूरज की रोशनी में तेज़ जो धूप होती है उससे हम लोग इसको सुखा लेंगे। चलिए इस तरह से मैं जो है तमाम तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने सारी कुरेरियाँ जो है तैयार कर ली हैं, और ये इस तरह से मैंने कम से कम 4 प्लेट जो है इसे रेडी कर ली हैं। तो चलिए इसे 2 दिन जो है हम लोग धूप में सेकते सूखने देते हैं, उसके बाद आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, और ये भी दिखाती हूँ कि सूखने के बाद ये कैसा दिखता है। देखिए हमारी कुरेरियाँ जो है ये काफ़ी अच्छी सूख चुकी हैं, देखिए किस कदर छोटी छोटी सी हैं, नाजुक सी, और देखिए इसमें काफ़ी अच्छे जो है डिज़ाइन वगैरह जो है ये बन जाते हैं इस तरह से। चलिए अभी इसे तेल गर्म करके इसे जो है हम लोग फ्राई गर्म हो चुके हैं, इसमें जो है हम लोग कुरेरियाँ जो है वो डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे क्योंकि इसे जो है अंदर तक पकने को टाइम लगता है। देखिए कैसे बड़ी हो गई है फूल के,
चलिए इसे जो है अब मैं निकाल लेती हूँ और फिर प्लेट में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी कुरकुरी जो है कुरेरियाँ तैयार हो गई हैं। ये काफ़ी गर्म है, मैं आपको फिर भी इसका कुरकापन दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी कुरकुरी हो गई है ये, और ये बहुत गर्म है। अभी ठंडा होने पे इसका कुरकुरापन जो है और बढ़ जाएगा। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।